हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और मेरे रिद्धि सिद्धि खुश है, स्वस्थ है, सुखी है और बदमाशी कर रही है। पूरा दाल छीट दी है दादी का। दादी रख रही थी डब्बे में दाल, इन लोगों को मिल गया मौका। दोनों जग गई है सुबह सुबह 7:30 बजे। अब देख लीजिए मेरे खबर में, दादी का मदद कर रही रिद्धि। छीटो तुम लोग, हम भी सुबह सुबह इन लोगों का दलिया ही रखे हैं गैस पे, बन जाता है तो खिलाएंगे। अभी तो 7:30 ही हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। सुबह से बारिश हो रहा है, फिर रात में ही शुरू हो गया था। और इस चक्कर में रिद्धि सिद्धि भी दोनों घर में ही है, बाहर नहीं जा पा रही है, तो मेरा भी काम बहुत डिस्टर्ब कर रही है लोग। और हम अभी तो दलिया इन लोगों का बना है, जा रहे कुकर में ही आलू बैंगन बरबट्टी सबका मिला के सब्जी डालेंगे, रोटी बना लेंगे। इतना कम से कम हो जाता है तो इन लोगों को दिखाते हैं क्या कर रही है। ये देखो इन लोगों को, सिद्धू रानी हमको देख के मेरे पास आ गए। सिद्धू रानी मोबाइल लेके बैठी है पापा को। तुम लोग भी बोलो बेटा, पापा मम्मा ये सब बोलो। पापा मम्मा कैसे बोल रहा था मोबाइल में, बोल रहा था ना इसमें। मारो तो स्टाइल, कैसे स्टाइल से फोटो खिंचाती है सिद्धि, ये वाला में देखो, इसमें दिख रही है सिद्धि कैसे स्टाइल करती है। ऐसे ऐसे और कैसे करती है, पाउट बनाती है, कैसे पाउट बनाती है। ओहो, टंग नहीं निकालते हैं, टंग निकालने वाला कोई पोज नहीं होता है, ये कोई पोज नहीं होता है। हाँ ऐसे अभी 10:15 बजा है। वहाँ पर अभी 1.5 घंटे तक मेरे घर में बहुत जोर अफरा तफरी मचा था, दोनों बहन रो धो हैं वहाँ। फिर हम भी उसी में नाश्ता भी बनाना था, फिर जल्दी जल्दी आटा सान के छोड़ दिए थे, सब्जी बना लिए थे आलू बैगन का, फिर जाके पहले इन लोगों को खिलाए, दलिया बना था ही। तो आज रिद्धि भी घर में ही, पुन्नी लोग रांची गई है तो ये घर में ही थी। दोनों बच्चा को खिला दिए, लोग का भरपेट खा ली दलिया, फिर ला के नहला दिए, बस फटाफट दोनों सो गई और रोटी भी बन गया, नाश्ता भी कर लिए हैं। माँ तो अभी पूजा ही कर रही है, हम भी जा रहे नहाने का ही तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा मंदिर भी चले जाएंगे, सोमवार है तो दूध चढ़ा दिए गैस वैस क्लीन करके। अब थोड़ा देर है, आधा घंटा का और काम हमको, फिर नहाने जाएंगे। 11:30 बज गया, नहा के आते आते बहुत सारा छोटा छोटा काम होता है, ऐसा नहीं कि बस खाना ही बनाना रहता है, उसके बाद भी बर्तन धो, उधर गली साफ करो, पॉटी वाला पैंट रहता है, नीचे कपड़ा, अभी तो एक बाल्टी आए नीचे से। और बारिश का ये हाल है, देखिए ना कैसे सूखेगा कपड़ा, कहाँ सूखेगा। जैसे तैसे करके माँ सबको दिमाग लगा लगा के डालेगी, सेट करेगी। हम तो जा रहे हैं, अब नहा के आए हैं तो थोड़ा सा मंदिर चले जाते हैं, सोमवार है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस हर बार की तरह वही लोटा और सिंदूर लेके जाएंगे और जल डाल के आ जाएंगे। छाता है घर में ही, ये भूल गए हैं लगता है, क्योंकि ये तो निकले छाता लेके नहीं गए हैं, तो हम चले जाएंगे जल्दी से, जल डाल के आ जाएंगे। छतरी मेरे पास है, ये छाता ओढ़ के ही चले जाएंगे। अभी तो मंदिर से आए और नाश्ता किए, देखिए सारा कपड़ा वहाँ निपटा दी ना हम, जब तक मंदिर गए, मंदिर से आए, सबको इधर उधर किधर किधर डाल के फैला ही दिए सारा कपड़ा, और मेरे लिए जगह छोड़ी, बोले मेरा कपड़ा रहने दी बाल्टी में, बोले अपना कपड़ा यहाँ ये वाला तार खाली छोड़ दिया, अपना डाल देना। बोले ठीक है, सब कपड़ा टांग टूंग दी इधर उधर, हवा हवा से सूखी जगह रख जाएगा। अभी तो हम दाल चावल नहीं बना था तो दाल रखे हैं, पहले गर्म पानी रखे इन लोगों का, बॉटल में डालेंगे, दोपहर अच्छे से धो देंगे, सुबह पिए, दूध ठंडा होने दिए इन लोग का, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा ये लोग सो चुकी है तो अब थोड़ा देर में दूध खोजेगी। सिद्धू 2:30 बज गया, सिद्धू रिद्धि सिद्धि सो के उठ चुके, सिद्धि देखिए कहाँ बैठा दिए, इसी पे बैठा के इसको खाना खिला दिए, खा भी ली दाल चावल। और रिद्धि का ये है छोटी के घर, वो फोन कर रही थी, ले गई उसको, ये तो रोना शुरू कर दी, क्या हम बोले, खा रही है क्या, खेल कर रही बेटा तुम, खा रही है। रिद्धि भी आई छोटी के घर से, इसको भी दाल चावल खिलाए, रिद्धि उतना मन से नहीं खाई, सिद्धि ठीक ठाक खाई, हमसे अकेले बदमाशी कर रही थी तो थोड़ा सा खाना दे के बैठाए हैं, खाएगी टाइम पास करेगी अपना। हम भी जा रहे हैं खाना खाने, इसके पापा आए नहीं है, 3:30 बज गया तो भूख तो लग गया है, माँ खा ली है, अब जा रहे हैं हम भी खाना खा लेंगे। ये देखिए रिद्धि की पुन्नी दीदी आ भी गई,
ये लोग देवड़ी मंदिर गई थी पूजा करने, वहाँ से कड़ा लाई है चढ़ा के, तो रिद्धि तो पहन लिए लोगों के लिए, सिद्धि के लिए जब तक पूजा करके बाहर है 60 रुपया में दिखा। तो कैसा फोटो लिया है, बोला 60 लेकिन विद फैमिली सबका। ये है मंदिर, अब इसको फ्रेम करा देना। वो वहीं पे ये लोग फोटो खिंचाई और खींच के 60 रुपया में साफ करके भी दे ही दिया, तुरंत हाथों हाथ नहीं रे पूजा की। ठीक ही है, ये भी अपना यादगार आ जाता है मोबाइल में, मतलब कैच करने के, मतलब फोटो लेने के बाद लोग निकलवाते हैं, नहीं निकलवाते हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं ज़्यादा दिन बाद, नया नया उस चीज़ का शौक रहता है। लेकिन ये साथ में लगे हाथ मिल गया तो ये अच्छा है, एक तो यादगार। ये रिद्धि खा रही है केला, खाई थी उसके अभी एक तो केला खा लेगी, दूध नहीं पी, पापा उसको घुमा घुमा के खिला रहे हैं। दूरानी घर में ORS पी रही है, देख रहे हैं इसको। इन लोगों का बाल नहीं बांध रहे हैं अभी क्योंकि ये ठंडा मौसम है, तो ठीक है ऐसे खुला में भी ठीक ही रहता है, क्लिप लगा देते हैं खाली। बेटा ब्लॉग को हम एंड करते हैं, बाय बाय कर दीजिए, तो बाय बाय कर दीजिए, तो बोलो कल एक न्यू ब्लॉग में मम्मा मिलाएगी आप लोगों से। तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, ओके।